सूबे के मंत्री बादल पत्रलेख एवं कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी उमंग सिंघार का धनबाद दौरा रद्द हो गया, जिससे धनबाद सर्किट हाउस में अपने नेता का इंतजार कर रहे कांग्रेसियों में मायूसी देखने को मिली। जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि रांची से फोन आने पर मंत्री एवं सिंघार को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि उमंग सिंघार के झारखंड दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर थी और बार बार यह मांग की जा रही थी कि सरकार उमंग सिंघार को क्वारंटीन करे, क्योंकि विपक्षी नेता जब दिल्ली जाते हैं अथवा दिल्ली से कोई आता है तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। सरकार की पूरी क्वारंटीन पॉलिसी क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए है? सवाल का जवाब देते हुए ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को दिल्ली जाने आने के बावजूद सरकार ने क्वारंटीन नहीं किया है, जबकि धनबाद सांसद का होम क्वारंटीन का निर्णय स्वयं से लिया गया निर्णय था। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी विधायक हैं, वो यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे थे और यहाँ का धनबाद का कांग्रेस का स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन यह अपरिहार्य कारण बस वो यहाँ नहीं आ सके और आज का उनके साथ जो मिलन था कार्यकर्ता का उसको स्थगित कर दिया गया अगले आदेश तक के लिए। कार्यकर्ताओं में भी रोष देखने को मिला कि है? कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है, लेकिन पार्टी का काम सही ढंग से चले और पार्टी में क्या कमियां हैं, किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस सब बातों पर विचार विमर्श करना था और किस तरह से कार्यकर्ता लॉकडाउन पीरियड में लोगों के प्रति जागरूक हुए हैं और काम किए हैं, कौन कार्यकर्ता केवल सुबाजी किए हैं, इन सब बातों पर चर्चा होनी थी, विस्तृत चर्चा होनी थी उनसे, लेकिन उनका नहीं आने के चलते सब लोग का अपने मन में है और आप ये तो स्वाभाविक है कि अगर किसी बड़े नेता का प्रोग्राम रहता है और वो नहीं आते हैं तो कुछ लोगों में रोष होती है। प्रोग्राम उनका यहाँ आने का था लेकिन वो धनबाद आए, किन्हीं के यहाँ आए फिर वहाँ से चले गए, इससे कितना आक्रोशित है? धनबाद उनका आने का कार्यक्रम था और ये अभी कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं दी गई है, यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनको जानकारी नहीं है और इसलिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनमें से किसी को ये जानकारी नहीं था कि वो किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ आने वाले थे, आए और चले गए। अगर ऐसा है तो पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हम यही कहेंगे। मंत्री जी आने वाले थे और उनके साथ हमारे कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार जी भी थे, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, लेकिन गिरिडीह तक आए, गिरिडीह के बाद कुछ रांची से कुछ फ़ोन आ गया, कुछ कारण हो गया, अपरिहार्य कारणों से वो रांची के लिए लौट गए और इसीलिए धनबाद नहीं आ सके। सर एक चीज़, अभी आप लोग बैठे हुए थे, कुछ संगठन पर कुछ चर्चा हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, संगठन पे हम लोग जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, हम हमारे सब कलीग हैं, हमारे सब साथी हैं, और कोई दुमका से आया है, कोई बोकारो से आया है, कोई साहेबगंज से आया है, कोई पाकुड़ से आया है, तो इतने इतने दूरों से आ करके और हम लोग चाय पानी पिए, उसके बाद ये कटसी मतलब हम लोग बैठे थे ऐसे ही, कोई मीटिंग नहीं। बार बार आ रहा है कि जो क्वारंटीन वाला जो नियम है कोरोना संक्रमण काल में, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही लागू क्यों हो रहा है और उमंग सिंह साहब आए तो उन पर लागू नहीं हुआ, वो लगातार घूम रहे हैं, उनको उन्हें क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? देखिए, इसका सटीक हम जवाब देते हैं। दीपक प्रकाश जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए, दिल्ली में शपथ लिए राज्यसभा में, दिल्ली से शपथ लेकर रांची फिर लौट गए, उनको क्वारंटाइन किया गया क्या? वो तो दिल्ली गए थे ना, दिल्ली में सबसे ज़्यादा महामारी फैला हुआ है, तो दीपक प्रकाश जी को किया गया क्या? निशिकांत दुबे जी आए दिल्ली से, उनको क्वारंटीन किया गया क्या? धनबाद सांसद को किया गया। धनबाद सांसद को बहुत, जब जनता की आवाज़ उठी है तब वो अपने हो गए, उनको किया नहीं गया, वो अपने बोले कि हम दिल्ली से आए हैं इसलिए हम होम क्वारंटीन होते हैं। सूचना है कि मंत्री जी धनबाद आए थे और व्यक्ति विशेष के यहाँ आकर कोई चले गए, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है? नहीं नहीं नहीं, कहीं धनबाद इंटर नहीं किए हैं, धनबाद शहर में नहीं आए हैं और वो धनबाद के बाहर से ही वो चले गए, वो लोग, ये गलत सूचना आपका है।
सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए धनबाद आना था तो धनबाद मेरे यहाँ आना था। अच्छा, मेरे यहाँ आना था। फिर देखिए वो केवल कोई मीटिंग के लिए नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे केवल नरेंद्र सिन्हा गिरिडीह में डेथ हो गया उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। हमारे यहाँ आ रहे थे इसलिए कि वो उमंग सिंघार जी कभी नहीं आए थे, तो केवल वो आ रहे थे एक तरह से सांत्वना के लिए। फिर राजेंद्र बाबू के यहाँ बेरमो जाना था, कोई मीटिंग का कार्यक्रम नहीं किसी तरह का। कार्यकर्ता रोज के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। नहीं, आप यहाँ पे भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन हो रहा है। अभी 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 तो कितना जगह आप देखे होंगे कि भाजपा का जिला कार्यालय उद्घाटन हुआ था, गए थे ना आप? गए थे आप लोग? कितना सोशल डिस्टेंसिंग था हम लोगों ने भी देखा। लेकिन ये सब पर आपस में हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग और आप ही लोग जो ले रहे हैं, आप लोग देखिए कैमरा ज़रा घुमा करके कि कितना सोशल मेंटेन डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए केवल दूसरे पे सवाल पूछना ये ठीक नहीं है। सर एक दूसरा सवाल हमारा, सवाल ये है कि कोरोना संक्रमण काल में धनबाद जिला प्रशासन के पास बेड कम पड़ रहा है और लगातार सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है वहाँ पर प्रॉपर वे में जिस तरह से पहले मेंटेन किया गया वो मेंटेन नहीं किया जा पा रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए COVID-19 एक ऐसी बीमारी है कि जहाँ मुंबई में भी कम पड़ रहा है, दिल्ली में भी कम पड़ रही है, और उसी तरह से अभी पिछले हफ्ते उपायुक्त महोदय जब नए नए आए ज्वाइन किए तो एक मीटिंग बुलाए थे। उपायुक्त महोदय ने कहा कि 275 बेड का धनबाद में है अभी इंतज़ाम, लेकिन हम लोग 500 बेड इसका करने के लिए निर्णय लिए हैं, बहुत जल्द ही 500 बेड हो जाएगा। तो हमारे उपायुक्त महोदय उसमें लगे हुए हैं, प्रशासन भी काम कर रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री सभी लोग लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी ये सब परेशानियां हैं कुछ दिन में दूर हो जाएगी। पॉजिटिव मरीज जब हो जा रहा है सर, 3-4 दिन तक घर नहीं पड़ा रह रहा है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया नहीं जा पा रहा है, ये स्थिति। देखिए कोई भी आदमी जब बोलेगा नहीं कि हमको कोई बीमारी है तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, ये तो उनको बोलना पड़ेगा। बार बार गुहार लगा रहे हैं और हॉस्पिटल से भी उनको फोन आ गया कि हम आपको लेने आ रहे हैं बट कोई जा नहीं रहा। इसका हम इसका अगर इस तरह की बात है तो हम सिविल सर्जन से बात करेंगे, और ऐसा नहीं है जो जो भी है चाहे वो सिविल सर्जन हो, PMCH प्रिंसिपल हो या सुपरिटेंडेंट हो, सभी बहुत तन मन से लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है।